लेकिन रोडीज के ऊपर काफी सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं और ये सिर्फ एक चीज को टारगेट कर रहे हैं कि भाई प्रिंस बहुत गंदा गेम खेल रहा है, प्रिंस बहुत गंदा गेम खेल रहा है, प्रिंस भाई रोडीज के कैंप में जा रहा है, बाकी और लोग नहीं जा रहे हैं, ना कभी रिया को देखा ना गौतम गुलाटी को देखा, प्रिंस ऐसा क्यों कर रहा है। तो देखो सबसे पहले भाई ऐसा कोई रूल नहीं कि आप कैंप में जा नहीं सकते। दूसरी चीज, वहां जाकर अपनी टीम से बात कर रहा है, रिया की टीम से बात कर रहा है, बिकॉज दे बोथ आर अलायंस। और तीसरी चीज जो बोले ना गंदा खेल, तो भाई प्रिंस खेल रहे हैं खतरनाक खेल। टीम हार गई लेकिन बंदा अपनी में से एक भी नहीं गया। एंड वाई प्रिंस इस लिटिल बिट ना इनसिक्योर, जिसके कारण वो बार बार जा रहे हैं, उसका एक रीजन ये भी है कि भाई बंदे की टीम में तीन सोनू अस्त्र हैं, तीन तीन ऐसे लोग हैं जो ऐसे खुद सोनू सूद ने कहा था कि लो भाई इनके साथ काम करो, और उनकी फिटनेस भी कम है, वो माइंड से भी इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, खुद की टीम से लड़ते रहते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं एफर्ट प्रिंस को, बाकी के लोग नहीं कर रहे। बाकी के लोग आई थिंक दे आर नॉट सीरियस, जीत हार से फर्क पड़ने वाला नहीं है इन लोगों को। भाई उनका पहला सीजन है, प्रिंस का सीजन कर चुका है, जो कंटेस्टेंट आ चुका है, जीत चुका है, तो उनके लिए शो ज़्यादा मैटर करता है। दैट्स वाई पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। और सिर्फ जो कैंप साइड आने का कारण है वो यही है कि टीम में तीन तीन सोनू अस्त्र हैं, तो उनको एक्स्ट्रा करना पड़ता है ताकि टीम सेफ रहे और वो फाइनल तक जा पाएं। बाकी डूल मित्र कमेंट आपकी राय, कैसे खेल रहे हैं प्रिंस। मैं मिलता हूँ तब तक जल्द, अलविदा।